अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ पटियाला दाल तड़का। सबसे पहले मैंने दाल ली है 3 पाव और उसको अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। अब मैंने प्रेशर में डाल के उसमें पानी डाल दिया और उसमें एक छोटी प्याज और 3 टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए। प्याज बेशक काट के डाल दें। अब इसमें मैंने सारे मसाले डाल देने हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा, खुश्क धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। ये सारे मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और अदरक लहसुन भी डालना है। और फिर मैंने ढक्कन लगा दिया प्रेशर का और उसको 15 मिनट के लिए पका लिया। दाल अच्छी तरह गल गई है। अब मैंने दाल को घोट लिया अच्छी तरह से। हल्का सा दाना रह भी जाए तो नो वरी, अच्छी लगती है, बट उसको अब जितना घोटना चाहें घोट लें। अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। इसको चावलों के साथ अगर खाना है तो थोड़ा सा पतला कर लें, और मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा पतली हो जाए ये दाल। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। दाल अब बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करूँगी। दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके लिए तड़का बनाऊंगी। तड़के के लिए मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली है और लहसुन थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया है। ये लहसुन और प्याज इकट्ठा मिक्स कर दिया मैंने। तेल गर्म हो जाए तो उसमें ऐड कर दें। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता, मेरे पास नहीं था तो मैंने तेज़पत्ता डाल दिया, और ज़ीरा, इसमें गोल लाल मिर्च भी डाल दें, और हरी कटी हुई मिर्च वो भी मैंने ऊपर से डालनी थी तो मैंने तड़के में ही डाल दी, और लाल मिर्च का पाउडर भी अगर थोड़ा सा डाल दें तो कलर बहुत अच्छा आता है, मैंने नहीं डाला, भूल गई थी। तो अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। इसको ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें। बे इंतहा लजीज़ पटियाला दाल तैयार है।